Hello dear student, I am Poonam from Poonam Classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is The Adventure of Toto. The Adventure of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Today is a baby monkey. Let's find out whether he's a mischievous or docile. Hum isme ek aise टोटो की बात करेंगे. टोटो, इसमें टोटो कौन होता है? इसमें टोटो एक बेबी मंकी होता है, एक छोटा सा प्यारा सा बंदर होता है जिसको पाला जाता है. कौन पालता है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं. और वो जो बंदर होता है वो इतना मिस्चीव होता है, इतना शैतान होता है. वो सारी शैतानी इस स्टोरी में बताई गई है. ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ अ 5 रुपीज. ग्रैंडफादर यानी ऑथर के जो दादाजी थे, उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर मतलब जिसको हम हिंदी में तांगा ड्राइवर यानी तांगा चलाने वाले भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको टोंगा बोलते हैं. तो टोंगा ड्राइवर से एक बंदर ख़रीदा था उन्होंने, जिस बंदर का नाम था टोटो. और कितने में ख़रीदा था? 5 रुपये में ख़रीदा था, 5 रुपीज़ में. अब आप सब बोलोगे कि 5 रुपीज़ में वो भी बंदर? हाँ, तो उस टाइम 5 रुपीज़ बहुत ज़्यादा मान्यता देता था, तो इसलिए उन्होंने, ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में एक बंदर ख़रीदा. द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज अ प्राइवेट जू. टोंगा ड्राइवर ने वो जो टोटो था, वो जो लाल रंग का जो मंकी था, वो कहाँ रखा हुआ था? फीडिंग ट्रफ में. फीडिंग ट्रफ, फीडिंग ट्रफ किसे बोलते हैं? फीडिंग ट्रफ उसको बोलते हैं, एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में एनिमल्स के फूड रखे रहते हैं, एनिमल्स का खाना होता है जिसमें एनिमल लोग उसमें खाना खाते हैं. तो उस कंटेनर में टोटो को बांध रखा होता है. जब ग्रैंडफादर ये देखते हैं तो ग्रैंडफादर ये सोचते हैं कि क्यों ना हाँ मैं इसको, टोटो को, इस छोटे से बंदर को अपने साथ रख लूँ और अपने प्राइवेट जू में इसको रखूँगा. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बिनी डीप सेट आईब्रोज. टोटो इतना प्रिटी मंकी था, इतना सुंदर मंकी था, उसकी जो आँखें थी वो बहुत शाइनिंग थी, बहुत चमकीली थी ही, और उसके जो आईब्रो थे वो सीधा ऊपर डीप सेट थे, मतलब खूब गहराई में थे. एंड इज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, उसके जो दांत थे सफ़ेद सफ़ेद मोती के तरह थे. वर ऑफन डिस्प्ले इन अ स्माइल दैट ब्राइटेंड द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. एंग्लो इंडियन लेडीज़ किसको बोलते हैं? एंग्लो इंडियन लेडीज़ उसको बोलते हैं जो ब्रिटेन और इंडिया की लेडीज़ होती हैं, उनको बोलते हैं. तो शायद ऑथर के पड़ोस में कोई ऐसा रहता हो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होगी, तो वो उस टोटो को जब वो देखती थी तो वो डर जाती थी वो लेडीज़. बट इस हैंड लुक ड्राइड एज अ दो दे हैड बीन अ पिकल्ड इन दी सन फॉर मैनी ईयर्स. मगर जो टोटो था, जो बंदर था, उसके हाथ कैसे थे? उसके हाथ ऐसे थे बिल्कुल सूखे हुए. कैसे सूखे हुए? जैसे हम लोग अचार को सुखा देते हैं, बिल्कुल उसके हाथ वैसे ही सूखे हुए थे. पिकल्ड मीन्स, पिकल मतलब अचार. तो अचार को हम क्या करते हैं? सन पे यानी सूरज पे हम उसको सुखाते हैं. तो वैसे ही टोटो के हैंड जो थे, टोटो के जो हाथ जो थे, वो बिल्कुल सूखे हुए हाथ थे. यस हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ट एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज अ गुड लुक्स. और उसकी जो फिंगर थी, जो उसकी उंगलियां थी, टोटो की जो उंगलियां थी, वो इतनी फटाफट काम करती थी, क्विक, इतनी जल्दी. और जो उसकी टेल थी, टेल तो उसके गुड लुक का चार्म थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वन गुड लुक्स. ग्रैंडफादर का बिलीव था, ग्रैंडफादर का ये मानना था कि किसी भी जानवर की अगर जो पूंछ हो वो उस पर 4 चांद लगा देती है. तो वैसे ही टोटो की खूबसूरती पे कौन 4 चांद लगा रहा था? उसका पूंछ यानी उसकी टेल.
also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. यानी वो जो उसकी पूंछ थी वो पूंछ उसका थर्ड हैंड थी यानी तीसरा हाथ थी. क्यों क्यों थी? क्योंकि वो जो टोटो था, जो ब्रांच होती है पेड़ों का, ब्रांच होती है, टहनियाँ होती है, उस टहनियों में क्या करता था, चढ़ता था तो अपनी पूंछ में उन क्या बोलते हैं टहनियों से लपेट लेता था, अपनी पूंछ को टहनियों में लपेट के झूलता था. तो यानी वो उसका क्या थी, थर्ड हैंड भी थी टोटो की. ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर बाउट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a practically good mood. तो ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि जो ये टोटो है उसको हम अपने जू पे रखेंगे, हम अपने साथ रखेंगे, बट हम दादी को नहीं बताएंगे, यानी ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे. ये बात हम सीक्रेट रखेंगे, जब तक ग्रैंड मदर का मूड सही ना हो तब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हमने दूसरा जानवर यानी दूसरा पेट भी पाल लिया है. और वो पेट कौन सा था? टोटो, जो कि एक बंदर था. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज अ टाइड सिक्योरली और सो वी हैड थॉट टू अ पैक फैस्टनेट इनटू द वॉल. ग्रैंडफादर यानी ऑथर के दादाजी ने और ऑथर ने क्या सोचा, उन्होंने उन दोनों ने ये प्लान किया कि जो क्लोजेट मींस जो अलमीरा होगी ये रूम की, वहाँ पे एक हम पैक मींस एक कील को लगा देंगे वॉल पे और उसमें ये उस बंदर को हम बांध देंगे टाइट से कि वो बंदर कहीं इधर उधर ना जाए और दादी को ना पता चले कि हमने घर में क्या पाल लिया है, एक बंदर पाल लिया है. कहाँ पे? बेडरूम पे. अ फ्यू आवर लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन अ कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज अ नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर. तभी थोड़े घंटे बाद दादाजी और ऑथर दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? उसी बेडरूम में जाते हैं. जब वो जाते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं. क्या शॉक होते हैं, क्या देखते हैं वो, कि टोटो ने क्या किया है, टोटो ने जो वॉल थी वॉल पे जो पेपर लगा हुआ था वो फाड़ दिया था, टूटा हुआ था. The peg in the wall had been a wrench from its socket and my school blazer which had been a hanging there was in a shred. दीवार का जो प्लास्टर होता है वो उसने टोटो ने उखाड़ के फेंक दिया था. ऑर्नामेंटल क्या होता है? ऑर्नामेंटल जो हम डेकोरेटिव करते हैं, पेपर जो हम सजाने के काम आता है, हैं वो सारे के सारे जो दीवार में चिपका हुआ था वो उसने उखाड़ के फेंक दिया था और सारा का सारा प्लास्टर दिख रहा था, ब्रिक दिख रही थी, ईंट दिख रही थी. किसने किया ये काम? टोटो ने किया. कील में उसको बांधा गया था, वो कील भी उसने उखाड़ के फेंक दी थी. वहीं पर ऑथर का स्कूल का ब्लेजर था, स्कूल का कोट था, उसको भी उसने काट दिया था उस छोटे से टोटो ने. आई वॉन्डर वॉट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, ही सीम प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस. ऑथर ने सोचा कि अब दादी यानी ग्रैंड मदर क्या कहेगी, बट ग्रैंड फादर ने इसको मजाक में लिया और बोला, अरे वाह टोटो ने ये क्या किया, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसीस ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप and made his escape from the window. दादाजी ने बड़े मजाक में कहा, अरे ये टोटो तो बड़ा क्लेवर है, ये तो बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम और दे देते तो क्या पता जो इसने ये कोट फाड़ा हुआ है, जो ऑथर के स्कूल का जो कोट है, ऑथर के स्कूल का जो ब्लेजर है उसको फाड़ रखा है, वो उसको इतना फाड़ देता कि उसकी एक रस्सी बना देता और उस रस्सी से वो विंडो से यानी खिड़की से नीचे तक चला जाता.
His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter, where a number of grandfather pet lead were very sociably together. अभी तक टोटो का जो प्रेजेंस था, टोटो जो दादाजी के घर में रहता था, अभी तक किसी को नहीं पता था कि टोटो वहाँ पे रहता है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम टोटो को एक बिग केज, एक बड़े से पिंजरे में रखें. कहाँ पे? सर्वेंट, नौकरों के क्वार्टर्स में रखते हैं. अ टॉर्टाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट, अ टेम स्क्वायरल फॉर अ वाइल. वहाँ पे और कौन कौन से जानवर थे? वहाँ पे टॉर्टाइज था यानी कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट यानी खरगोश का जोड़ा था, दो खरगोश थे, अ टेम स्क्वायरल वहाँ पे गिलहरी थी, फॉर अ वाइल माई पैट गोट और एक पालतू बकरी भी थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लैप एट अ नाइट. सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. बगर जो टोटो था, उस टोटो ने रात भर किसी को वहाँ सोने नहीं दिया. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसका कंपेनियन बने. कंपेनियन मींस, कंपेनियन मतलब दोस्त, कि कोई भी उसका दोस्त बने. ना वो टॉर्टोइज को चाहता था, ना रैबिट को चाहता था, ना स्क्वायरल को चाहता था, ना गॉट को चाहता था. इसलिए उन्होंने रात भर किसी को सोने ही नहीं दिया. तो अगले दिन ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया अपनी पेंशन लेने के लिए कहाँ जाएंगे, वो सहारनपुर जाएंगे दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए. बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को घर पे नहीं छोड़ेंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टर वर्ड. दुर्भाग्यवश जो ऑथर है वो वहाँ नहीं जा सका. तो उसने, उसके दादाजी ने ये डिसाइड किया कि जब वो वापस आएंगे ट्रिप से तो वो सारी बात बताएंगे कि क्या हुआ उनके साथ, दादाजी के साथ. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. उन्होंने टोटो के लिए एक कैनवस का बड़ा सा काला सा बैग लिया. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अडॉप. व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप. उन्होंने क्या किया, जो वो कैनवस का ब्लैक कलर का बैग था उसके नीचे उन्होंने घास रख दी और वो एक टोटो का घर सा बना दिया. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. टोटो को उस बैग के अंदर रख दिया गया और उसको ऐसे बंद किया गया कि टोटो उससे अपना शरीर बाहर ना ला सके, अपना हैंड यानी हाथ भी बाहर ना ला सके. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब क्या होता है कि ये पता ना चले कि उस कैनवस में एक एनिमल है, एक टोटो है, बट लोगों को फिर भी पता चला. कैसे पता चला? कि टोटो जिस बैग में था, अगर उस बैग को कहीं पे रख दिया जाए तो वो उलटने पुलटने लग जाता था, वो बैग गिरने लग जाता था, कभी रोल, कभी इधर गिरता, कभी उधर गिरता फ्लोर में. तब वहाँ पे प्लेटफॉर्म में, देहरादून के प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग थे वो सब देखने लग जाते कि अरे इस बैग को क्या हो रहा है जो वो इधर उधर लुढ़क रहा है. टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट अ रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रिन. अब क्या होता है, जो टोटो होता है, जब दादाजी उसको सहारनपुर के प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं तो वहाँ पे एक टर्न स्टाइल होता है. टर्न स्टाइल किसे बोलते हैं? टर्न स्टाइल एक मैकेनिकल गेट होता है, एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे कार्ट को स्लॉट करते हैं. और जब हम कार्ट को स्लॉट करते हैं तो वहाँ पे जो रॉड बने होते हैं वो बैंड हो जाते हैं, तो कोई भी उससे क्या कर सकता है, पास कर सकता है. बट ये पास सिर्फ एक टाइम पर, एक कार्ट से सिर्फ एक ही पैसेंजर पास होगा. तो ये जो रॉड होती है उसको टर्न स्टाइल कहा जाता है. तो टोटो एकदम से क्या करता है, जैसे ही दादाजी वो कार्ड स्लॉट करते हैं तो टोटो अपना सर उस कैनवस के बैग से बाहर निकालता है. जैसे ही बाहर निकालता है तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो उसको देख लेता है.
द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनॉयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो वो जो टिकट कलेक्टर होता है वो जैसे ही उसको देखता है टोटो को तो वो बोलता है अरे सर आपके पास तो एक डॉग है तो आपको भी इसका टिकट देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was a classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Grandfather को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो एक टोटो को एक मंकी को क्या बोल रहे हैं क्वाड्रप्ट बोल रही। क्वाड्रप्ट मीन्स होता है एक ऐसा जानवर जिसके 4 टांगे होती है और वो उसको ये डॉग बोल रहे हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगा और वो उसके 3 रुपीज़ मांग रहे हैं जो कि वो एक बंदर है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पैट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल दी एनिमल। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं गुस्से में आ जाते हैं झुंझला जाते हैं और अपने पॉकेट से वो एक टॉर्टोइज निकालते हैं। जैसे ही वो टॉर्टोइज निकालते हैं और बोलते ये भी एक जानवर है क्या इसका भी तुम किराया लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज प्रोडिड इट विद इज अ फोर फिंगर गिव ग्रैंडफादर अ प्लीडिड एट ट्रम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग। तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो देखता है कि वो तो टॉर्टोइज है वो कोई डॉग नहीं है, है तो वो ग्रैंडफादर को कहता है ओके इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये एक कुत्ता नहीं है वो क्या था वो एक टोटो यानी एक बंदर था। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. अब क्या होता है जो टोटो होता है ग्रैंडफादर ने बता दिया होता है ग्रैंडमदर को कि हमने एक जानवर पाला है और वो क्या है टोटो है जो कि एक मंकी है। तो उस टोटो को किसके साथ रखा जाता है एक डंकी के साथ रखा जाता है जो कि उन्हीं की फैमिली में भी था एक प्राइवेट जू में था दादाजी के। उस डंकी का नाम क्या होता है नाना होता है जो ये चाहते थे कि टोटो उसका क्या बन जाए कंपानियन बन जाए। कंपानियन मीन क्या होता है कंपानियन मीन दोस्त बन जाए। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज अ कम्फर्टेबल। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो टोटो को देखने के लिए रात में दादाजी जाते हैं वहाँ पे कि क्या टोटो वहाँ पे कंफर्टेबल है क्या कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है। पर तभी वो सरप्राइज हो जाते हैं क्यों क्योंकि जो नाना होता है नाना कौन होता है डंकी। जो नाना होता है वो क्या कर रहा होता है अपना हॉल्टर मींस क्या होता है जो हम जानवरों के गले में पट्टा बांधते हैं उसको हॉल्टर बोला जाता है। तो उस हॉल्टर को नाना यानी वो डंकी खींच रहा होता है और जब वो खींच रहा होता है किस लिए खींच रहा होता है जहाँ पे बंडल ऑफ हे होता है। बंडल ऑफ हे मतलब जहाँ पे घास होती है बहुत सारी वो उससे हटने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जक्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर ही हैड फैसिनेटेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो ग्रैंडफादर जब ये देखते हैं तो ग्रैंडफादर नाना को क्या करते हैं एकदम से स्लैप यानी उसके हॉन्चेस मीन्स बैक में उसके पीछे एक पटाफ एक क्या मारते हैं स्लैप एक थप्पड़ मारते हैं। जैसे ही थप्पड़ मारते हैं तो नाना क्या करता है वो और खींचता है और टोटो उससे ड्रैग होने लग जाता है। और हकीकत में क्या था हकीकत में ये था कि टोटो ने नाना को क्या कर दिया था उसके लॉन्ग उसके जो लंबे कान थे उसमें वो उसको बाइट कर रहा था काट रहा था। तो जब वो काट रहा था तो नाना ये सब कुछ तो करेगा ही करेगा। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम अ फ्रेंड। इसमें ऑथर बोलता है कि टोटो और नाना कभी भी जीवन में दोस्त
नहीं बन सकते। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लास्ट बाउल ऑफ अ वॉर्म वाटर गिवन हिम बाय अ ग्रैंड मदर फॉर हिज अ बाथ। अब टोटो के लिए क्या किया जाता था, टोटो के लिए एक बड़े से बाउल में पानी को गर्म किया जाता था। कौन गर्म करती थी, दादी जी करती थी। क्यों करती थी, बाथ यानी नहाने के लिए। कब, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर में, जब सर्दियों का मौसम होता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ फर्स्ट वन फुट देन द अदर until he was into the water up to his neck। टोटो इतना कनिंगली था, इतना चालाक था कि वो पहले क्या करता था, अब उसको उसका हॉट वाटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए अपना हैंड डालता था, अपना हाथ डालता था कि उसको वो वाटर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब उसको वो सही लगता था तब वो अपना एक फुट यानी एक पैर उस बाउल के अंदर डालता था, और तब जब उसको वो पानी सही लगता था तब वो अपना नेक तक यानी गर्दन तक उस बाउल के अंदर घुस जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। वन डे टोटो नियरली सक्सेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और जब टोटो उस बाउल के अंदर घुसता था तो वो अपने में सोप साबुन लगाता था, हाथों में पैरों में खूब अपने आप को रब करता था और बहुत अच्छी तरीके से नहाता था। क्यों, क्योंकि पानी क्या होता था, बहुत ठंडा होता था, बड़ी अच्छी तरीके से क्विकली क्विकली नहाता था, और वहाँ पे पानी क्या होता था, बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। जब वो बहुत अच्छी तरीके से नहा लेता था तो उसको ठंडा लगता था टोटो को, तो टोटो फटाफट कहाँ जाता था, किचन की तरफ जाता था। क्यों जाता था, क्योंकि किचन में जो फायर थी यानी जो आग जल रही होती थी वहाँ पे अपने आप को सुखाने के लिए जाता था, और जब वो सुखाने के लिए जाता था और कोई भी उसमें ये देख के हंस जाता था तो टोटो बड़ा हर्ट हो जाता था कि वो उसको देख के हंस रहे हैं। बट एक दिन ऐसा हुआ कि टोटो बॉयल होने वाला था, किसमें, उस गर्म पानी में। कैसे, A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid finding the water just warm enough for a bath he got in with his head sticking out from the open kettle this was just fine for a while until the water began to boil Toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again he continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle toto ek din kya karta hai kitchen mein ek kettle mein pani garam karne ke liye rakha hua hota hai kis liye chai banane ke liye तो टोटो के पास कोई काम तो था नहीं करने के लिए, तो उसने सोचा क्यों ना इसकी जो कैटल का जो ऊपर का लीड है, ढक्कन है, उसको हटाता हूँ। तो वो जैसे ही उसको हटाता है और देखता है कि पानी गर्म हो रहा है तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसमें आप नहा लूँ। तो वो क्या करता है, उस पानी पे कैटल के अंदर घुस जाता है, और जब वो पानी के अंदर घुसता है तो उस टाइम जो पानी होता है वो बॉयल हो रहा होता है, तो वो कभी अपने आप को ऊपर करता है अपनी गर्दन को, कभी गर्दन को नीचे डुबाता है, वो ऐसे ही कर रहा होता है कि बिना सोचे कि पानी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वो जल भी सकता है। तब तक क्या होता है, ग्रैंड मदर ये देख लेती है, और जैसे ही ग्रैंड मदर देखती है वो टोटो को एकदम से खींच लेती है और कैटल को वहाँ से हटा देती है, वो टोटो को हाफ बॉइल्ड होने से बचा लेती है। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वॉज अ लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। जैसे हम लोगों के शरीर में एक पार्ट होता है वो होता है ब्रेन, जो कि बड़ा शैतानी से भरा होता है, वैसे ही टोटो का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो शैतानी से भरा हुआ होता है। He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it.
जब भी ऑथर की आंट उनके घर के आती तो वो क्या करता, जो उनके पास जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को, उन ड्रेस को वो फाड़ देता, कभी होल कर देता, इतना मिसचीव था टोटो। वन डे अ लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. एक दिन क्या होता है, लंच का टाइम होता है और डाइनिंग टेबल में पुलाव रखी होता है खाने के लिए। जैसे ही हम सब लोग एंटर करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि टोटो उसको डिश में, डिश मतलब प्लेट में, उस पुलाव को बड़े चाव से खा रहा होता है। तो एकदम से दादी चिल्ला जाती है और टोटो क्या करता है, जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पे जो प्लेट होती है वो दादी की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो फेंकता है तो उनके, तो जो वो आंट होती है वहाँ पे, एक आंट होती है, तो वो आंटी क्या करती है, टोटो को पकड़ने के लिए जाती है कि वो ऐसा काम ना करे। मगर टोटो क्या करता है, वहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर होता है, पानी का ग्लास होता है, वो उसको उस आंट के ऊपर फेंक देता है। और फिर तभी दादाजी वहाँ पे जाते हैं, तो दादाजी जब उस टोटो को पकड़ने के लिए जाते हैं तब तक टोटो क्या करता है, टोटो के हाथ में जो वो पुलाव होता है, डिश होती है, उस डिश को लेके वो विंडो से कूद जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री द डिश स्टिल इन हिज आर्म। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन द फिनिशिंग एवरी ग्रेन एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू अ 100 पीस। जैसे ही वो खिड़की से बाहर जाता है तो वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। कौन से पेड़ पे चढ़ता है, जैक फ्रूट के पेड़ पे चढ़ता है, यानी कटहल के पेड़ पे चढ़ता है। और कटहल के पेड़ पे जब वो चढ़ता है तो उसके हाथ में अभी भी वो डिश होती है। वो जो वो डिश होती है तो वो आफ्टरनून तक यानी शाम तक क्या करता है, उसको स्लोली स्लोली खा रहा होता है, उस डिश को, उस पुलाव को वो खा रहा होता है और डिश उसने पकड़ी हुई होती है। तब जब शाम हो जाती है, दादी उस पर चिल्ला रही होती है, तो वो इतना अनोइंग हो जाता है टोटो कि वो क्या करता है, वो जो प्लेट होती है, जो वो डिश होती है, वो पेड़ के ऊपर से, जिस पेड़ पे वो बैठा था, जैक फ्रूट के पेड़ पे बैठा था, वो नीचे फेंक देता है। जैसे ही वो नीचे फेंकता है तो उस डिश के 100 पीसीस हो जाते हैं, 100 टुकड़े हो जाते हैं उस डिश के। और तभी जो टोटो होता है वो चैटर मीन्स जो बंदरों की जो हंसी होती है वो करता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper. So grandfather found the tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो फिर फाइनली क्या होता है कि जो टोटो होता है, ग्रैंडफादर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस टोटो को अपने पास नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो इतने सारे डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन और वॉलपेपर नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो बार बार उसको तोड़ते रहे। इसीलिए फाइनली लास्ट में ग्रैंडफादर उसी टोंगा ड्राइवर को टोटो को दे देते हैं। कितने रुपए में देते हैं, 3 rupees में देते हैं। और लिया कितने में होता है, लिया 5 rupees में होता है। Thank you for watching this video and for more videos please subscribe to our channel Poonam Classes and press the bell icon button. Thank you.